हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों, जब भी हम काइन मास्टर में वीडियो को एडिट करते हैं तो कई बार क्या होता है कि कोई के वीडियो फाइल में अनसपोर्टेड फाइल फॉर्मेट का प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे हम कोई वीडियो फाइल सिलेक्ट करते हैं तो उस फाइल में काइन मास्टर में अनसपोर्टेड फाइल फॉर्मेट शो करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसी काइन मास्टर अनसपोर्टेड फाइल फॉर्मेट प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो गाइस, जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। तो दोस्तों, काइन मास्टर अनसपोर्टेड फाइल फॉर्मेट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपको प्ले स्टोर ऐप ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है वीडियो कन्वर्टर। दोस्तों, आपको सर्च करना है वीडियो कन्वर्टर, तो आप वीडियो कन्वर्टर सर्च कर लेना। वीडियो कन्वर्टर सर्च करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, बहुत सारे ऐप्स आ जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको इस वाले ऐप को डाउनलोड करना है, वीडियो कन्वर्टर और कंप्रेसर inverse.ai द्वारा ये ऐप है। तो इस वाले ऐप को आपको डाउनलोड करना है दोस्तों, ये वाला जो ऐप है इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेना। ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐप को आपको ओपन कर लेना है। ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बोला जाएगा, तो आपको कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको अब कन्वर्ट और कंप्रेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको उस वाले वीडियो फाइल को सिलेक्ट करना है जो फाइल आपका अनसपोर्टेड था, जो सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ। फाइल सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से आप वीडियो का फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, तो आपको फॉर्मेट चेंज नहीं करना है, MP4 ही रहने देना है। रिजोल्यूशन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, 1080p अगर आप कर लोगे तो वो तो हर जगह सपोर्ट कर लेता है, तो रिजोल्यूशन आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। बाकी यहाँ पे आपको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको सिंपली से कन्वर्ट पे क्लिक कर देना है। कन्वर्ट पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देंगे। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद एक ऐड आएगा, ऐड को आपको स्किप कर देना है, ठीक है। स्किप करने के बाद यहाँ पे ऐड को कट कर देंगे। ऐड कट करने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है अभी। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमारा जो फाइल है वो कन्वर्ट हो चुका है। अब जो ओरिजिनल फाइल था उसको आप डिलीट भी कर सकते हो, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है। तो डिलीट ओरिजिनल पे क्लिक करके मैं जो पहले का ओरिजिनल फाइल था उसको डिलीट कर लेता हूँ, क्योंकि उसका अभी मुझे कोई काम है नहीं, तो मैंने वो वाला फाइल डिलीट कर दिया। अब दोस्तों, मैं आपको इस वाले फाइल को काइन मास्टर में ओपन करके दिखाता हूँ। तो गाइज, मेरा काइन मास्टर ओपन हो चुका है और यहाँ पे मेरा वीडियो कन्वर्टर से जो फाइल कन्वर्ट हुआ था, यहाँ देख सकते हो ये फाइल आ चुका है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो कि अनसपोर्टेड फाइल फॉर्मेट का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग काइन मास्टर अनसपोर्टेड फाइल फॉर्मेट का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। सिंपली आपको वीडियो का फाइल फॉर्मेट कन्वर्ट कर लेना है उस ऐप को डाउनलोड करके, जिसको मैंने वीडियो में बताया हुआ है। आई होप दोस्तों, मेरी इस वीडियो से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं कोई और नई वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।